गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 9 में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस प्रश्नावली को पढ़ाते समय मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि दो चर अर्थात x और y रैखिक घात एक होगी, यानी कि इसका आलेख बढ़ाएंगे तो सरल रेखा प्राप्त होगा। समीकरण अर्थात दोनों चरों का संबंध की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, अर्थात बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों विद्यमान होंगे और इसका व्यापक है, व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस सी बराबर जीरो। यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, और अगर यह हो तो दो चर वाला रैखिक बहुपद अगर बराबर जीरो नहीं है तो। कल मैंने यह बताया था आपको कि यदि कोई समीकरण आपको दी हुई है तो कैसे हम उसके मान ज्ञात करेंगे, एक्स और वाई के मान कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे, किसी एक चर को एक तरफ और दूसरे चर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण करके एक चर का मान रखेंगे और दूसरे का प्राप्त करेंगे। अब है आलेख, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख यानी कि ग्राफ कैसे बनते हैं ये आपको आना चाहिए। पिछले प्रश्नावली में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में ये पढ़ा था कि यदि किसी तल को लंबिक रेखाओं द्वारा, ये लंब है, चार भागों में बांट दिया जाए तो ये चारों चतुर्थांश हैं, ये वाई और ये वाई डैश। इधर की संख्याएं धनात्मक होंगी, इधर की संख्याएं एक्स डैश की तरफ की ऋणात्मक होंगी, ऊपर धनात्मक निर्देशांक आएंगे और नीचे ऋणात्मक निर्देशांक आएंगे, बताया था आपको, राइट। अब यह है कि, और यह तल कहलाता था कार्तीय तल। अब किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में आलेख यानी कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए मैं आपको सीधे प्रश्नावली पर ले चलता हूं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का प्रत्येक का ग्राफ खींचिए। जैसे पहला सवाल है, पहले का पहला, x प्लस वाई बराबर चार, इसका ग्राफ खींचना, राइट। आप क्या करेंगे, पक्षांतरण करके y को इधर रख लिया, आप चाहे तो x को भी रख सकते हैं, चार माइनस एक्स और ये हमने किया पक्षांतरण। बात आई समझ में, पक्षांतरण करने पर यदि x बराबर जीरो तो y का मान क्या होगा, आपको x का मान रखना है, y का ज्ञात करना है, चार माइनस जीरो बराबर चार। तो निर्देशांक क्या है, कल मैंने आपको बताया था, पहले आप x का मान लिखेंगे और बाद में y का, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किसका पक्षांतरण किया। लिखते समय यहां पर x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू पहले, y की बाद में आएगा, भुज पहले आएगा, कोटि बाद में आएगा, इसको कहते हैं निर्देशांक। ये पिछली प्रश्नावली में हम पढ़ चुके हैं। यदि x बराबर एक तो y बराबर चार माइनस एक अर्थात तीन, तो निर्देशांक हुए एक और तीन। हम जानते हैं कि कोई भी सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए, हमें मिल गए दो बिंदु, आप चाहे तो और भी निर्देशांक ले सकते हैं, कम से कम दो आवश्यक है। यदि x बराबर तीन दो तो y बराबर हो जाएगा चार माइनस दो अर्थात दो, निर्देशांक हुआ दो। अब इसका ग्राफ खींचिए, अधिकतम वैल्यू x की क्या है दो, y की क्या है चार, इसलिए हमें यहां चार तक करना अनिवार्य है,
पहला बिंदु। अच्छा इसकी सारणी बनेगी, अब इसकी सारणी बनाइए, ये जैसे सारणी बढ़ गई, एक्स वाई 04 1 3 2 2। अब ये पॉइंट नोट कीजिए, 04 यहां पर बिंदी लगाइए, 4 पर पहले हम 0 पर गए फिर 4 पर, और ऐसे करके छोटा सा वृत्त बना दीजिए और लिख दीजिए 04 1 3। ये वाला बिंदु अपना 1 है, 3 पर जाइए, ये हो गया 1 3। 2 2 2 पर जाइए और 2 की सीध में ऊपर आइए, ये हो गया 2 2। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, ये अनंत की ओर निशान लगाइए, और इस रेखा पर ऊपर या नीचे की तरफ लिख दीजिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 4, इसकी समीकरण है, ये हो गया आलेख। ऐसे बनेंगे, क्या करना है, पहले कम से कम 3 पॉइंट निकाल ले, 2 या 3 पॉइंट, 2 कम से कम, ज्यादा आप कितने भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ग्राफ का पन्ना लेना है, ग्राफ के पन्ने को 4 भागों में डिवाइड करना है, अगर माइनस की भी संख्या है तो, अगर माइनस की नहीं है तो आप केवल इतना सा भी लिख सकते हैं, एक इतना, ये हो गया ओ। केवल धनात्मक संख्याएं ले लो, ऋणात्मक लेने की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ के कोने पर लिख दो ओ, यहां एक्स और ऊपर वाई, और इस तरह से आलेख खींच लेंगे। यह हुआ पहले का पहला। अब देखिए पहले का दूसरा भी ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन उसमें पक्षांतरण में सावधानी बरतेंगे। दूसरा सवाल देखिए, x माइनस वाई बराबर 2, माइनस के चिन्ह के साथ विशेष रूप से सावधानी बरतें, x बराबर हो गया 2 प्लस वाई, वाई को उधर लेंगे, अब आप y का मान रखेंगे और x का प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको, यदि y बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, 2 प्लस 0 अर्थात 2, लिखते समय ध्यान दें पहले x का और बाद में y। यदि y बराबर, चलो इस बार मैं माइनस 2 माइनस का भी रखवा देता हूं, तो x बराबर आएगा 2 प्लस माइनस 2 और ये हो गया 0, तो 2 सॉरी 0 और 2। यदि y बराबर 3, कुछ भी रख सकते हैं, तो x बराबर मिलेगा आपको 2 प्लस 3 5, तो 5 और 3। सारणी बनेगी, सारणी 1.1 की है, और दूसरी सारणी जो मैं बनाने जा रहा हूं यह है प्रश्न संख्या 1.2 की। जरूरी नहीं है आप x का पक्षांतरण करें या y का करें, जो भी आपको उचित लगता हो उसको कर सकते हैं पक्षांतरण। गणना में सुविधा की दृष्टि से आप किसी भी संख्या का पक्षांतरण कर सकते हैं। तो देखिए 2 0, पहला पॉइंट 2 0, दूसरा पॉइंट 0 2 और तीसरा पॉइंट 5 3। 0 2 नहीं, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, राइट। अब हमें ग्राफ बनाना है, चूंकि माइनस की भी संख्या आ गई इसलिए कार्तीय तल को 4 चतुर्थांशों में बांटेंगे, यानी कि ग्राफ के पेपर को 4 चतुर्थांशों में बांट देंगे। ओ एक्स ये कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, ध्यान रखना, वाई और वाई डैश। एक बहुत बड़ी मिस्टेक यह है, भूल यह है कि आपने पैमाना नहीं लिखा, पैमाना जरूर लिखा है। ओ एक्स अक्ष पर और ओ वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना, बड़ा खाना को आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, बराबर एक इकाई, और यहां पर भी एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई। ये सबसे पहले काम करना है, जैसे ही आप ग्राफ तैयार करेंगे लिखिए पैमाना,
ओ एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई या मात्रक, और ओ वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई। ओ लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स डैश लिखेंगे, वाई वाई डैश लिखेंगे, पैमाना लिखेंगे, तब आपका ग्राफ का पन्ना तैयार हुआ है। केवल अब आप पॉइंट लगाइए, एक दो, एक्स पे देखिए कहां तक है मैक्सिमम, 5 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2, माइनस में एक्स में नहीं है इसलिए बहुत एक है, 1 2 3, वाई में 3 तक ही है, और -1 -2, ये -1 और ये -2, राइट। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, -2 और ये है -1। पहला पॉइंट प्लॉट कीजिए, 2 0, तो पहले एक्स अक्ष पर जाना है, 2 पे गए और 0, 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे, यहीं पर वृत्त बना दीजिए, ये बिंदु आया आपका 2 0। दूसरा पॉइंट 0 -2, यहां पर ओ लिखना अनिवार्य है, ओ मतलब मूल बिंदु, 0 -2, पहले 0 पे खड़े हो जाइए और फिर -2, ये हो गया 0 -2। 5 3, पहले 5 पे जाएंगे और फिर ऊपर 3 पर, किसी भी सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु आवश्यक है, जरूरी नहीं आप 3 ले, आप 2 बिंदु से भी काम चला सकते हैं। 5 3, स्केल की सहायता से इसको सीधी लाइन द्वारा मिला दें, तीर का निशान अवश्य लगाए, इसका मतलब यह है कि कोई भी रेखा की लंबाई दोनों तरफ अनंत होती है, और किसी भी एक तरफ समीकरण का नाम लिख दें, क्या समीकरण थी, जो मूल समीकरण है x - y = 2, ये आपका आलेख कंप्लीट हुआ। ध्यान रहे ये निशान यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और यहां। अब आपका यह ग्राफ कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 1 में 2 सवाल और दे रखे हैं, उन्हें आप स्वयं करें। हिंट में बता देता हूं, y = 3x कुछ भी नहीं है, x का मान 0 रखा तो y क्या मिलेगा, x का मान 1 रखा तो y क्या मिलेगा, x का मान 2 रखा तो y क्या मिलेगा, हो जाएंगे निर्देशक, ओके। और चौथा सवाल है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, चौथा है 3 = 2x + y, ठीक है, आप इसे यू भी लिख सकते हैं कि 2x + y = 3, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों का पक्षांतरण करने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, चिन्ह का बदलना अप्रभावी हो जाता है, यह भी पूरा माइनस का हो जाएगा, यह भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल है, ओके। ये तो रहा पक्षांतरण, अब y को इधर रख लीजिए, x को उधर भेज दीजिए, पुनः पक्षांतरण हो गया, और अब आप x का मान रखते जाओ, y का लेते जाओ, इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2, 2 और 14, 2 और 14 से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल, और उनके समीकरण बताइए। 2 और 14 एक बिंदु दिया हुआ है आपको, इसी बिंदु के निर्देशांक 2 और 14 है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि इससे होकर दो समीकरण लिखिए, होकर जाने वाली 2 समीकरण लिखिए, प्रश्न में बाद में कराऊंगा, पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये एक बिंदु है, इसके निर्देशांक 2 14 कुछ भी है, बताइए एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं,
नहीं पता। एक चौराहे से होकर कितनी सड़क चल जा सकती है, एक सर्किल का कोई बिंदु है वहां से कितनी सड़कें या उप सड़कें जा सकती है, चार नहीं अनंत भी जा सकती है। तो एक बिंदु से होकर एक रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी अनंत। इनमें से आपको दो सरल रेखाओं के समीकरण बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए, दो चौदह एक बिंदु है, हल संख्या दो, आप लिखेंगे बिंदु दो चौदह से होकर अनेक रेखाएं, अनेक रेखाएं गुजरती है, इनमें से किन्हीं दो के समीकरण बनाने के लिए इनके समीकरण के लिए इनके समीकरण के लिए अब देखिए x प्लस वाई बराबर क्या होगा, दो ये चौदह ये सोलह, एक समीकरण तो ये बना y माइनस x, y बड़ा है इसलिए y को पहले लिख के बने, क्या होगा चौदह में से दो गया तो बारह, ये दूसरी समीकरण बन गई। कितनी समीकरण बना सकते हो, अनंत। देखिए कैसे, दो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, दो दुनी चार, एक्स की जगह दो रखिए और चौदह, दो दुनी चार, चौदह और चार अठारह, ये तीसरी समीकरण बन गई। वाई माइनस दो एक्स, तो चौदह तो ये है, एक्स की जगह दो रख दीजिए, चौदह में से चार गया तो दस बराबर दस, ये चौथी समीकरण बन गई। कितनी भी समीकरण बना सकते हैं आप, कितनी भी समीकरण बना सकते हैं आप, एक्स और वाई के रूप में कुछ भी लिखें। आपने लिखा पांच एक्स प्लस वाई, तो पांच गुनी दस, दस और चौदह चौबीस, तो यहां लिख दो चौबीस, ये समीकरण बन गए। ठीक, मैंने आपको पांच समीकरण बता दी, इन्होंने दो समीकरण पूछे। प्रश्न संख्या तीन, यदि बिंदु तीन चार, कोई बिंदु तीन चार है, एक समीकरण के ग्राफ पर स्थित है, इसी समीकरण के ग्राफ पर स्थित है, तो एक ही वैल्यू बताओ, तीन वाई बराबर ए एक्स प्लस सात पर, ये समीकरण है, एक बिंदु तीन चार स्थित है, तो ए का मान ज्ञात करो, ये ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एक्स और वाई के स्थान पर मान रखने पर क्या हो जाएगा, तीन वाई की जगह क्या हो जाएगा चार, तीन गुना चार ए, एक्स की जगह क्या हो जाएगा तीन, प्लस सात, तो ये हुआ सात, चार की बारह, तीन ए प्लस सात, पक्षांतरण कीजिए बारह माइनस सात
बराबर 3a, ये हमने किया पक्षांतरण, तो a बराबर हो गया 5/3, यही उत्तर है। ये हमारे 3 सवाल हुए, आपके पास काफी सवाल हो गए क्योंकि पहले में 4 दे रखे हैं, आप इन सवालों को करें ठीक है, बाकी सवाल कल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, बढ़िया ढंग से पढ़े और नियमित रूप से पढ़े, 3-3, 4-4 सवाल ही रोज हो रहे हैं। ओके।